बंगाल से बाहर आने के बाद बंगाल स्पेशल स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। वेजिटेबल चॉप इज वन ऑफ देम। ठंडे के दिन हो या फिर बरसात के मौसम, गर्मा गर्म चाय के साथ वेजिटेबल चॉप मिल जाए तो क्या बात। चलिए बिना देरी के आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बंगाल स्पेशल वेजिटेबल चॉप की रेसिपी। वेजिटेबल चॉप बनाने के लिए चाहिए 3 बॉइल्ड पोटैटो, पतले आकार में कटे हुए गाजर, बीट, मटर छीनी, चॉप बीन्स, चॉप कोरिएंडर, अदरक पेस्ट 1 टीस्पून, चॉप ग्रीन चिली, मूंगफली मुट्ठी भर एंड चॉप कोकोनट। पहले वेजिटेबल चॉप बनाने के लिए एक स्पेशल भुना मसाले की जरूरत है। इसके लिए सभी खड़े मसाले लाइक 1 टेबलस्पून जीरा, 2 ड्राई रेड चिली, 6 से 7 गोलकी, 1 टेबलस्पून सौंफ, करी पत्ता, सभी को एक साथ मिला के भून लेना है एंड ठंडा करके पीस लेना है। ये स्पेशल भुना मसाला ही है इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट। चलिए अभी चॉप की स्टफिंग बना लेते हैं। कढ़ाई में वेजिटेबल ऑयल डाल के अच्छे से गरम कर लेना है। तेल गरम हो जाए तो चॉप कोकोनट डाल दीजिए, लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। अभी कोकोनट को तेल से अलग करके बचे हुए तेल में जिंजर पेस्ट एंड चॉप ग्रीन चिली डाल के हल्का फ्राई कर ले, इससे स्टफिंग के अंदर अदरक एंड ग्रीन चिली का फ्लेवर आ जाएगा। अभी एक कटोरी बीट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड गाजर को भी डाल देना है, फिर से एक साथ मिला लेना है। इस तरह से एक एक करके सभी वेजेस को डाल देना है। चॉप बीन्स, मटर छीनी को डाल के एक साथ मिक्स कर लिए। वन टीस्पून सॉल्ट डाल के सब सब्जियों को मिला के ढक के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में कुक कर लेना है। अभी बॉइल्ड आलू डाल देना है, करछी के मदद से स्मैश कर लेना है। आप चाहे तो पहले स्मैश करके भी कढ़ाई में डाल सकते हैं। इस तरह से वेजिस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। टेस्ट को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून चीनी ऐड की, भुना मसाला 1/2 टीस्पून, फ्राइड कोकोनट, मूंगफली, सभी को एक साथ मिक्स कर ले। इस तरह से मिक्स होने के बाद चॉप कोरिएंडर डाल दे एंड गैस फ्लेम ऑफ करके ठंडा कर ले। स्टफिंग मिक्सर को पहले छोटे छोटे आकार में सेपरेट कर लिए। अभी एक एक करके सभी स्टफिंग मिक्सचर को शेप देना है। देखिए सभी को एक जैसा शेप दे दिया हो। अभी एक कटोरी में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेके पानी के साथ घोल बना लेना है एंड एक पीस स्टफिंग का लेके डीप कर लेना है। अभी दूसरे हाथ के मदद से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है एंड फिर से कॉर्नफ्लावर में डीप करके ब्रेड क्रम्ब में फिर से कोट कर लेना है। डबल कोट करने से क्रंचीनेस अच्छा होता है। इस तरह से सभी पीसेस को कोट कर लिया हूँ एंड 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख लिए। कढ़ाई में वेजिटेबल ऑयल डाल के एक एक करके सभी चॉप फ्राई कर लेना है। फ्राई करते वक्त ध्यान रखें गैस फ्लेम लो टू मीडियम फ्लेम में रहना चाहिए। इस तरह से सभी पीसेस को फ्राई कर लेना है। बस रेडी हो गया वेजिटेबल चॉप। सलाद, कसुंदी एंड गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करें। मेरे रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फॉर मोर अपडेट द बेल लीफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।